नमस्कार, मैं हूं अविनाश चंद्रवंशी। न्यूज प्लस 21 में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ वन विभाग के अलग अलग वन मंडलों में भ्रष्टाचार का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। कांकेर, नारायणपुर और अब कटघोरा वन मंडल में भी चल रहे भ्रष्टाचार के खेल का बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने कांकेर, नारायणपुर का खुलासा किया था। वहीं रिश्वतखोर अकाउंटेंट सोन छत्र और सरगना सीसीएफ जेआर नायक के पैसों की डिमांड और रिश्वत का भी वीडियो उजागर किया था। क्योंकि पानी सर ने बोला था कि बात कर लेता हूँ, इन्होंने 20 बोला था तो मैं बात किया तो बोले ठीक है कर दो, चला जाएगा ना, मतलब आपको ही जाना। आप निश्चिंत रहिए, आप निश्चिंत रहिए। मैं कब मंडे एक बार आऊँ सर उसकी फाइल के लिए? सर मंडे बैठेंगे। थैंक यू सर, मेरा नंबर रख लीजिए, मैं पूछ लीजिएगा कब बैठेंगे। मेरे को दे दीजिए नंबर। छत्र वाला छतरी का जी जी। हाँ, किस पोस्ट में? असिस्टेंट ग्रेड 2, टैग ग्रेड 2। अच्छा, ग्रेड। मैं कब कॉल करूँ सर आपको? खैर वो मेरे को एक्चुअली इन्होंने बोला था कि छोड़ दो तो मैं फाइल आगे बढ़ाऊँगा, तो बस वो फाइल बढ़ जाए। ठीक है, जो भी है मेरे से पूछ लीजिएगा मंडे। जी जी, मैं बता दूँगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप थोड़ी देर बैठो, सो लीजिए, जाना है तो जाइए। कैसे करूँ सर? मैं तो कर दूँ, सर्वर चालू होगा तो सर सामने बैठे सर करेंगे जी, सामने बैठे पैसा उनके खाते में जाएगा तभी तो कुछ करेंगे। निकाल मिला सर उनसे, उन्होंने मना कर दिया है। क्या मना कर दिया? पेमेंट नहीं होगा करते। क्यों? क्या सर? नहीं मना करती है, उनके पास कुछ होगा, मैं क्यों पूछूंगा? उनके खाते में जो चल रही है कुछ देंगे, कोई दिक्कत होगी तो वो निराकरण करेंगे, देख लेना है कुछ। कल मैं आया था सर। अरे अभी जब तक जो है उसके खाते में सर्वर गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ जो है खुलेगी नहीं सर्वर, जो अभी तो बहुत पेंडिंग पड़ा हुआ है सर। जैसे ही सर्वर खुलेगा ना फटाफट जो है उनको उसमें मतलब डाउनलोड होगा, मतलब चढ़ेगा उनके खाते में, और चढ़ेगा तब जो है पता चलेगा। ठीक ठीक बताया। बजट जाना था, सर्वर जो खुल जाएगा तो क्या मैं चढ़ाऊंगा? मेरा सिस्टम जो काम करता है ना, सर्वर खुलेगा तो चढ़ेगा, उसमें चढ़ जाएगा, आने जाने की जरूरत नहीं है, जाने की जरूरत इधर ही है, क्योंकि वो हो गया है ना, उस दस्तखत फस्कत मेरे जो होना था वो हो गया है। सर्वर छत्तीसगढ़ अभी तो आने से पहले भी किया था कि अब है कि नहीं पता कर लूँ। जी जी मेरा सर, और सर मेरी वही रिक्वेस्ट है, हम बोल हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सर। नहीं नहीं, हाथ पैर मत जोड़ो, जो सिस्टम है शिष्टाचार है निभाओ, आगे बढ़ो। वो निभा रहा सर, मैं वही चाहूँ, बस हो गया जो करना है आप वो कर दीजिए उसके। मैं पहले क्योंकि सर मेरे को ना कहीं से मेरे को अरेंज करके, हाँ मनु शॉर्ट फॉर्म है सर,
मनु सोनी, हाँ मनोज सोनी है, तो मनु घर में बोलते हैं तो मनोज कर दिया, मनोज कर दिया सर, वो क्लियर रहेगा। तो मैं कहीं से अरेंज करके ही करूँगा सर, तो थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा छोटा भाई समझ के थोड़ा सा बड़ा है उनको पहले भी मेरे को पता है अभी मैं सच में सर एक आदमी मर गया, मैं अब उसको जो है चल दिया नहीं बोलता, मर गया उसके दूसरे घंटे चढ़ जाएगा। क्या बोला सर, इधर उधर जो है कहीं कुछ जो है बोलोगे करोगे सर, नहीं तो सर नुकसान नहीं सर, मैं किसी को नहीं बोलूँगा सर, मैं तो ऐसी प्रॉब्लम है सर, मैं तो ऑलरेडी नुकसान नहीं हूँ सब साइड से, तो पानी पिला दो, मुझे बोला मैं कर दूँगा सर, जी सर नहीं सर मत उलझाएगा सर, हाँ जो मतलब नहीं जी सर लेकिन और वो भी जो सुनिश्चित ये जरूर करूँगा जी कि वो भी जो है ना मिले, नहीं सर वो बस मत करे सर, क्योंकि मैं ऐसी सड़क में नहीं, मुझे बोला मैं कर दूँगा सर, तो जी सर जी सर मैं और उल्टा उलझा नहीं सर मत उलझाएगा सर, हाँ जो तो मतलब उलझा दूंगा मैं बता नहीं तो नहीं जी सर, लेकिन और वो भी जो सुनिश्चित ये जरूर करूँगा जी कि वो भी जो है ना मिले, नहीं सर वो बस मत करे सर, क्योंकि मैं ऐसी सड़क में जी सर मैं और उल्टा उलझा दूंगा, नहीं सर मत उलझाएगा सर, हाँ जो मतलब उलझा दूंगा मैं बता नहीं तो नहीं जी सर, लेकिन और वो भी जो सुनिश्चित ये जरूर करूँगा जी कि वो भी जो है ना मिले, नहीं सर वो बस मत करे सर, क्योंकि मैं ऐसी सड़क में जी सर मैं और उल्टा उलझा दूंगा, नहीं सर मत उलझाएगा सर, हाँ तो मतलब उलझा दूंगा मैं बता नहीं जी सर, लेकिन और वो भी जो सुनिश्चित ये जरूर करूँगा जी कि वो भी जो है ना मिले, नहीं सर वो बस मत करे सर, क्योंकि मैं ऐसी सड़क में सर एक रिक्वेस्ट और मेरी सर, एक प्रकरण में जाँच के लिए मैं डाल रहा हूँ सर, रायपुर का ही है, वो 48 लाख का पेमेंट दिखाए सर उसमें, वो अगर क्लियर हो जाता तो बहुत अच्छा होता, मैं एक एक प्रकरण यहाँ डाल दूँ सर उसका, जैसे भी डाल लेकिन बिना लिए दिए नहीं, हाँ हाँ बिल्कुल, तो जैसा आदेश करेंगे सर उसमें 48 का मामला है सर, आप जैसा बोलेंगे 20 बोले आँख बंद करें जी, जो जेकल से पूछे थे सर किस काम के लिए जी, दूसरा कौन सा है, वहीं अब हम भ्रष्टाचार के मुख्य सरगना सीसीएफजेआर नायक के बेनामी संपत्ति का भी खुलासा करेंगे, इसको लेकर हरितिमा समिति के अध्यक्ष जल्द ही प्रेस वार्ता भी लेंगे। वहीं अब कटघोरा वन मंडल में हुए भ्रष्टाचार की कलई खुलने लगी है, यहां जिम्मेदार अधिकारियों ने 8,39,000 का फर्जीवाड़ा किया है, इतना ही नहीं भ्रष्टाचार करने के बाद चेक से भुगतान दिखा दिया गया, अब पोल खुली तो भुगतान से इनकार भी कर दिया, आरटीआई से मिले दस्तावेजों में स्थानीय ग्रामीण को 8,39,000 का भुगतान दिखाया गया, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वनमंडल में किस तरह से फर्जीवाड़े का खेल चल रहा है, ये पूरा मामला उन्नत बायोमास चूल्हे के नाम पर किए गए फर्जीवाड़े का है। दरअसल हरितिमा समिति को वर्ष 2011 में कुल 1,000 नग चूल्हे लगाने की स्वीकृति वनमंडल अधिकारी कटघोरा द्वारा दी गई थी, समिति द्वारा कार्य पूर्ण होने के बाद बार बार पत्राचार एवं निजी तौर मिलने पर भुगतान नहीं किया गया, संबंधित मामले की शिकायत जब वन सचिव से की गई तो वन मंडल अधिकारी द्वारा समिति को चेक से भुगतान किए जाने की बात कही,
इस संबंध में बैंक की स्टेटमेंट के दस्तावेज जब वन मंडल अधिकारी कटघोरा को पेश किया गया तो आश्चर्यजनक ढंग से भुगतान का नहीं होना बताया गया। वहीं एक स्थानीय ग्रामीण रामदास मानिकपुरी को 1000 नग चूल्हे का भुगतान यानी 8,39,000 रुपये का भुगतान किया गया, जबकि रामदास मानिकपुरी की कोई समिति ही नहीं है और ना ही वो वानिकी कार्यों में दक्ष हैं। ऐसे में साफ तौर पर वन मंडल अधिकारी कटघोरा द्वारा किस तरह से फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया ये आप देख सकते हैं। इस मामले की जांच होने पर भी और बहुत से फर्जीवाड़े उजागर होंगे। आपको बता दें कि वन मंडल अधिकारी द्वारा साफ तौर पर अपने उच्च अधिकारियों को झूठी जानकारी दी जा रही है। चूल्हे का निर्माण अधिकृत समिति के द्वारा ही कराया गया और भुगतान स्थानीय ग्रामीण को कर बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया है। इस खेल में तत्कालीन पदस्थ DFO कटघोरा, SDO कटघोरा, परिक्षेत्र अधिकारी चेतना, परिक्षेत्र अधिकारी जटगा एवं परिक्षेत्र अधिकारी कटघोरा शामिल हैं। कटघोरा में 8 लाख रुपए के फर्जी चेक का मामला बता रहे हैं आप, क्या मामला है पूरा? हाँ जी, वो लगभग 1000 चूल्हे मुझे आदेश दिया गया था 2011 में। उसके पहले मैंने 2010 में भी 400 चूल्हे स्थापित किए थे, कहते जिसका भुगतान मुझे हो चुका था। उसी की क्वालिटी देखते हुए इन्होंने 2011 मुझे आदेश दिया 1000 चूल्हे का। मैंने चूल्हे लगा दिए संस्था ने और उसके भुगतान के लिए हम भटकते रहे, बार बार लेटर लिखते रहे, पत्राचार के, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। तो लास्टली हमने सभी डिविजन्स का जहाँ जहाँ प्रॉब्लम थी हमने फॉरेस्ट सेक्रेटरी को शिकायत की लिखी, तो आश्चर्यजनक रूप से रिप्लाई आया वहाँ से कि भुगतान कर दिया गया और भी चेक से। तो हमने अपनी संस्था का जो अकाउंट है बैंक का उसके स्टेटमेंट ले आके फिर DFO को दिखाया कि भाई पेमेंट कहाँ किस उसमें दिख रहा है। तो उन्होंने फिर रिप्लाई किया कि हमने जाँच की और जाँच में भुगतान नहीं पाया गया। और वहीं क्योंकि ये संस्था को काम मिला हुआ था, रायपुर से चयनित संस्थाएं थी चार जो काम कर रही पूरे छत्तीसगढ़ में, वह एक लोकल ग्रामीण रामदास मानिकपुरी को वही अमाउंट 8,39,000 चूल्हे का भुगतान किया गया। कैसे उनको दिया गया, मतलब इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, इन्होंने आउट ऑफ वे नियम को ताक पे रख के तो कैश पेमेंट किया कि चेक से किया, ये तो जानकारी नहीं दी है उन्होंने। लेकिन हाँ, इतना जरूर सूचना के अधिकार में निकल के आया है कि रामदास मानिकपुरी जो कि ग्रामीण है, कोरबा ग्राम पुसौरा के पास ही रहता है वो, और उसको भुगतान किया गया 8,39,000 जिसका कि हम हकदार हैं। हमारे को जो भुगतान मिलना था भुगतान नहीं हुआ आज तक, और लोकल ग्रामीण को भुगतान क्यों किया गया ये तो जब आप पेमेंट जब पेमेंट के लिए जब जाते हैं आप लेने के लिए अपना राशि, तो क्या बोलते हैं अधिकारी उसमें? उन्होंने तो रिप्लाई दिया ही नहीं, जवाब ही नहीं दिया, मिलने से भी इनकार किया। ये तो फॉरेस्ट सेक्रेटरी को जब हमने शिकायत की थी उसके बाद रिप्लाई आया, उसके पहले तो उन्होंने कोई भी हमारे पत्र का जवाब नहीं दिया। CCF जय नायक वाले में क्या चल रहा है? CCF जय नायक ने उतना बड़ा आप सब उजागर हो ही गया है, और मेरे पास कुछ ऐसे दस्तावेज आ रहे हैं कि उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो बेनामी करोड़ों की प्रॉपर्टी है, वो उजागर होगी बहुत जल्दी। मेरे पास प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मैं बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा, उसमें सारी चीज़ उजागर करूँगा। JR नायक 80,000 लेने के बाद सोचने की बच जाएंगे तो वो संभव नहीं है। मैं किसी भी हद तक जाऊंगा और न्याय लेकर आऊंगा, जो दोषी हैं उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। ठीक, अगले एपिसोड में और भी हम वन विभाग में चल रहे भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े को लेकर बड़ा खुलासा करेंगे। ये पूरा मामला जिस तरह से आप देख रहे हैं कि वन मंडल के अंदर जिन पर्यावरणों को बचाने के लिए हम लगातार प्रयास करते हैं, कई सारी समितियां पर्यावरण को बचाने के लिए अपने एफर्ट्स लगाते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे, बचा रहे, और हमारा ये पृथ्वी जो है, हमारा जो धरती है वो सुरक्षित रहे। लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारी पढ़ लिख कर ऊँचे पदों पर बैठ कर अपने इस काले कारनामों से इस पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। ये हवा को नहीं बल्कि भ्रष्टाचार कर, काले कारनामों कर हमारे पर्यावरण को धीरे धीरे राख करते जा रहे हैं। इस तरह के भ्रष्टाचार होने की वजह से देश के कई अलग अलग हिस्सों में, कई अलग अलग क्षेत्रों में, राज्यों में जो जंगल हैं वो धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। आज की स्थिति में अगर देखें तो वृक्षारोपण के नाम पर कई लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, लेकिन जब वास्तविक स्थिति को देखें और घटना स्थल पर जहाँ पर ये घटना होती है या फिर जहाँ पर वृक्षारोपण किया जाता है उन जगहों पर जब हम पहुँचते हैं तो वहाँ पर वृक्ष ही नहीं होते हैं।
ऐसे कई बड़े बड़े घटना छत्तीसगढ़ के अंदर में ही हुए हैं। कई तरह के आंदोलन भी हुए, कई तरह के प्रयास भी हुए, लेकिन जब उच्च अधिकारी ही भ्रष्ट होते हैं तो ऐसे मामलों में कोई भी रास्ता नजर नहीं आता है। अंत में आम जनता को या किसी समिति को जिसने काम किया है उसे इस तरह के परेशानियों से भुगतना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। और आगे अपडेट में हम आपको कई तरह के खुलासे करेंगे जहां पर ये दिखाएंगे कि आखिर कैसे वन मंडल में बैठे अधिकारी भ्रष्ट कार्यों को अंजाम देते हैं और अपने बड़े पदों पर बैठे होने का फायदा उठाते हैं। तब तक के लिए बने रहें न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।